नमस्कार। अमेरिकी चुनाव के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं यशवंत देशमुख, जाने माने चुनाव विश्लेषक, सी वोटर के फाउंडर और अमेरिकी चुनाव पर लगातार नजर रखने वाले, वहां के चुनाव में सर्वेक्षण करने वाले एक प्रमुख व्यक्ति हैं। तो वो हमसे जुड़े हुए हैं और मैं तो मुकेश कुमार हुई आपके साथ। तो आज हम बात करेंगे अपनी इस श्रृंखला की कड़ी में कि अमेरिका में जो अश्वेत मतदाता हैं, जो काले मतदाता हैं, उनकी भूमिका क्या रहती है, वो किस तरह से चुनाव को प्रभावित करते हैं, इस बार उनकी भूमिका क्या रहेगी और पिछली बार 2016 के चुनाव में जो उनकी भूमिका थी, जिसमें ये माना गया था कि उन्होंने कम वोट किया है, जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक पार्टी को एक नुकसान हुआ और वो भी एक छोटा मोटा कारण बन गया था उस हिलेरी क्लिंटन की हार का। तो हम उसको उस पृष्ठभूमि के साथ इस पूरे चुनाव को देखेंगे, अश्वेत मतदाताओं की भूमिका को भी देखेंगे और आप तो जानते ही हैं कि ब्लैक लाइव्स मैटर ने एक नया संदर्भ भी खड़ा कर दिया है इस चुनाव में, एन चुनाव के ठीक 4-5 महीने पहले। तो यशवंत जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि इस बार जो अश्वेत मतदाता हैं, ज्यादा उग्रता के साथ, ज्यादा उत्तेजना के साथ, ज्यादा कमिटमेंट के साथ ऐसा लगता है कि चुनाव में हिस्सेदारी करेंगे, क्योंकि ब्लैक लाइव्स मूवमेंट की वजह से उनके अंदर बहुत आक्रोश भी है और व्यवस्था के साथ एक बड़ी शिकायत भी है और ट्रंप के खिलाफ भी वोट करने का उनका मन बना होगा। आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, ये तीन बातें आपने बोली सभी एक तरह से सही हैं और इसीलिए वहां पर एक और मुद्दा बहुत तेजी से उठ रहा है, जिसमें हम एक अलग एपिसोड भले ही करेंगे लेकिन उसको छूना जरूरी होगा, जो वहां पे पोस्टल मतदान की अब बात हो रही है, जिसके विरोध में ट्रंप बहुत ज्यादा और डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता बहुत ज्यादा पक्ष में बोल रहे हैं। उसका कारण ये भी है कि अश्वेत मतदाताओं का टर्नआउट इस तरह के पोस्टल बैलेट में एकदम से बढ़ने की ज्यादा उम्मीद है। पोस्टल में ही क्यों, लाइन में क्यों नहीं, तो उसका जवाब मुकेश जी यह है कि चूंकि अमेरिकी चुनाव जो है बहुत ही जबरदस्त फेडरल स्ट्रक्चर पे होते हैं, 3000 करीब काउंटीज हैं, हर काउंटी का अपना तरीका है चुनाव कराने का, इतना ज्यादा फेडरलिज्म है, कोई वहां पे सेंट्रल बॉडी वैसी नहीं है। एक इलेक्शन सेंटर जिसे कहा जाता है, जिसका मैं भी सदस्य हूं, मैंने पढ़ाई की वहां पे एज इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन वो दरअसल एक सरकारी संस्था ना हो करके जो इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं उनकी संस्था है आपस में बनाई हुई, जहां पे वो एक दूसरे से मशविरा करते हैं, सीखते हैं। मुझे वहां पे ये पूरा पढ़ने और समझने का जो मौका मिला, उसमें ये भी समझ में आया कि ये जो 3000 काउंटीज तकरीबन जो है अपने अलग अलग तरीके से चुनाव कराती हैं, उसमें इसका भी असर होता है कि जिन जगहों पे रिपब्लिकन बेस ज्यादा है, जिन राज्यों में, जिन काउंटीज में, जिन जगहों पे, वहां पे स्थानीय नियम कानून बहुत सारे इस तरह से तोड़े मरोड़े जाते हैं, जिससे अश्वेत मतदाताओं को ठीक से वोट डालने का अधिकार ना मिल पाए। ये वहां की एक बड़ी पुरानी तो ये जो ट्रंप खींचे हुए हैं पोस्टल बैलेट को लेकर, क्या उसकी यही वजह है कि वो जो बढ़िया कर पाते वो अब नहीं, मुश्किल हो जाएगा? जो रिपब्लिकन बेस वाले राज्य हैं, जहां पे ये उल्टे सीधे कानून हमेशा से बनाए जाते रहे हैं, अगर 100% पोस्टल बैलेट हो गया तो एकदम से वो जाता रहेगा, ये उसकी खींच भी है। और आपको बताएं कितने ब्लैटेंट तरीके से ये कानूनों के साथ में खिलवाड़ होता है। मसलन आप फ्लोरिडा का ही अगर देख लें, फ्लोरिडा के चुनाव में जितनी बार भी भयंकर बवाल हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक निर्णय गया, अलगोरा केस आप पूरा उसमें जानते हैं कि नतीजे भी अटके रहे कितने ज्यादा, हर बार कहीं ना कहीं से खबर आती है कि जैसे वहां अर्ली वोटिंग कहा जाता है मुकेश जी, अर्ली वोटिंग का यानी वहां पे दरअसल चुनाव केंद्र इलेक्शन डे के करीब कई बार एक महीना पहले कई जगहों पे खोल दिए जाते हैं कि आप इलेक्शन डे के पहले भी जाकर के अपना वोट डाल सकते हैं। कारण उसका यह है कि भारत में जैसे इलेक्शन वाले दिन छुट्टी होती है सार्वजनिक, वहां पे छुट्टी सार्वजनिक होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो जिसको जब अपने काम से लौटते आते जाते वोट डालने का अधिकार मिले वो उस समय दे। लेकिन कई सारे ऐसे बाइबल बेल्ट के राज्य, बाइबल बेल्ट में जिक्र ऐसा कर रहा हूं जो रिपब्लिकन बेस है, वहां पे वो जानबूझ के अर्ली वोटिंग को वीकेंड्स पे बंद कर देते हैं, ताकि भाई आप जो 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 ब्लू कॉलर वर्कर ज्यादा है या जिस तरह की दिहाड़ी मजदूरी करने, अपने अगर अपने देसी भाषा में समझाए, अश्वेत मतदाता वहां पे उस तरीके का काम ज्यादा करते हैं जिसमें उनकी डेली की भूमिका है। अब डेली की भूमिका में उन्हें अगर वीकेंड ही मिलता है वोट डालने का, और वीकेंड के दिन आप अगर अर्ली वोटिंग बंद कर देंगे, तो स्वाभाविक सी बात है
उनका मतदान प्रतिशत नीचे हो जाएगा। इस तरह की तमाम चीजें ये भरी पड़ी है। और आप जानते हैं कि अश्वेत मतदाताओं को दरअसल मताधिकार तो सही मायने में 60 के दशक में मार्टिन लूथर किंग के आंदोलन और उस सब के बाद में जाकर के वहां 1965 में पहली बार मिला था मताधिकार। तो वहां पे जो एक शब्द होता है जिसे डिसएनफ्रेंचाइजमेंट कहा जाता है, वो दरअसल बड़े ही जिसे कहते हैं साइंटिफिक तरीके से, हालांकि ये साइंस के लिए डेरोगेटरी शब्द हुआ, लेकिन बहुत महीन तरीके से ऐसे ऐसे कानून नियम बनाए जाते हैं जिससे अश्वेत मतदाताओं का पार्टिसिपेशन कम हो जाए। यशवंत जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई है, अमेरिकी चुनाव में किस तरह से फर्जीवाड़ा होता है, किस तरह से चुनाव को रिग किया जाता है, ये 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 बहुत अच्छा विषय। इस पर हम लोग जरूर एक दिन और विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन वापस लौटते हैं अश्वेत मतदाताओं पर। जैसा आपने कहा कि इस बार चूंकि पोस्टल बैलेट से होना है और क्योंकि कोरोना की वजह से ये मजबूरी है और इसी तरह लिए ट्रंप साहब खींचे भी हुए हैं, तो पोस्टल बैलेट से कितने बड़े पैमाने पर वोटिंग, क्या कंप्लीट वोटिंग होने जा रही है और उसका एक जबरदस्त फायदा अश्वेत वोटरों को भी मिलेगा और डेमोक्रेटिक पार्टी को भी मिलेगा? जी बिल्कुल, यही इस समय कोशिश वहां पे ये हो रही है कि 100% पोस्टल बैलेट के ऊपर पूरा चुनाव ढाला जाए। और ये ऐसा नहीं कि वहां पे इसका उदाहरण नहीं है, अमेरिका में 3 राज्य ऐसे हैं मुकेश जी जो तकरीबन 10-12 साल से 100% पोस्टल बैलेट पे ही चल रहा है, मतलब उसमें सारे चुनाव उन 3 राज्यों में पोस्टल ही हो रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं कि उनके पास में इसको करने का, सही ढंग से करने का तरीका नहीं पता है या नहीं है, वैसा नहीं। केवल नियत में खोट हो सकता है अगर ये नहीं करना चाहे। अश्वेत मतदाताओं के साथ में एक, जैसे हमने भारतीय मूल के मतदाताओं की बात की थी, हमने पाया था कि भारतीय मूल के मतदाता ज्यादातर डेमोक्रेटिक बेल्ट में हैं, ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में। अश्वेत मतदाताओं के साथ में ठीक उलट बात है। आप इसको कैसे भी दुर्भाग्य कहें, जो जिस तरह से देखना चाहे, दरअसल लगभग लगभग बहुतायत में मैं कहूंगा कि मेजॉरिटी जो है ब्लैक अमेरिकन की, अफ्रीकन अमेरिकन की, वो साउथ में है, मतलब जो रिपब्लिकन बेस है। और उसका चूंकि स्लेवरी उस तरफ ज्यादा थी, सारे स्लेव ही ले जाए गए, इसलिए वहां उसकी बसाहट ज्यादा। जी जी, तो एग्जैक्टली, तो ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा चूंकि स्लेवरी का रिकॉर्ड वहीं का था, उन्हीं राज्यों में, दक्षिण के राज्यों में ही सबसे ज्यादा ये बंधुआ मजदूर या जिस तरीके से भी आप दास गए वो रखे गए, वहां पे बहुत बड़ी तादाद अश्वेत मतदाताओं की उन राज्यों में है जो कि आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि रिपब्लिकन बेस है। अब आप दर्शक ये भी कुछ सोच सकते हैं कि जब बहुत बड़ी तादाद है तो रिपब्लिकन वहां कैसे जीतते हैं, तो इसका मसला कुछ ऐसा है कि बहुत बड़ी तादाद का मतलब ये नहीं कि वहां 90% अश्वेत मतदाता है। बहुत बड़ी तादाद का मतलब ये है अश्वेत मतदाताओं का तकरीबन 90% वहां रहता है, लेकिन उस राज्य के अंदर उनकी पॉपुलेशन 10, वैसे पूरे अमेरिका में करीबन 13% हम मान के चलते हैं कि जो वहां की पॉपुलेशन है अश्वेत अफ्रीकन अमेरिकन मतदाताओं की, उन राज्यों में कहीं पर 15, 20, 22, 25 यहां तक भी पॉपुलेशन है। लेकिन जब बड़ी तादाद में वो पॉपुलेशन है और वो रिपब्लिकन बेस है तो वहां पोलराइजेशन भी बहुत कंक्रीट होता है, और पोलराइजेशन कंक्रीट होने के कारण वहां पे रिपब्लिकन अगर ज्यादा जीतते हैं और वो नियम कानून कुछ ऐसे बनाते हैं जिसमें अश्वेत मतदाताओं का टर्नआउट कम हो जाए, तो धीमे धीमे इतने सालों में, 40-50 सालों में, उनके अंदर एक तरीके से ये बात आ गई कि हमको मताधिकार मिल गया तो भी क्या फायदा वोट डालने का अगर हमारे वोट दिए हुए व्यक्ति के जीतने की संभावना न के बराबर है। तो एक निराशा भी अंदर वो घर कर जाती है कि हम कुछ भी करें हमें ये वोट नहीं डालने देंगे, कुछ भी हम करें वहां पे, मतलब लोग घंटों घंटों अश्वेत मतदाता वहां पे लाइन में लगे रहते हैं, कभी उनकी प्रोसेस के अंदर कोई ऐसी एक स्टेप डाल दिया जाता है एडिशनल वेरिफिकेशन का जिसमें एक एवरेज टाइम जो वोट देने वाला है वो बढ़ जाता है, तो आप लाइन में भी लगे रहे लेकिन वोटिंग का टाइम खत्म हो गया। जैसे भारत के चुनाव आयोग की सिस्टम भी ये है विनर्स टेक ऑल, तो उसमें भी रिपब्लिकन पार्टी को उससे सीधा फायदा मिल जाता है, नहीं है कि हाँ, कैंडिडेट जीत रहा है तो हमारे भी कुछ कैंडिडेट जीत कर चले जाएंगे, तो वहां पे वो उनके यहाँ से एक अच्छी चीज अपने को सीखने लायक वो एडवांस वोटिंग वाली है जो लंबे समय तक वोटिंग खुला रहे तो खुले, लेकिन शायद उनको हमारे यहाँ से जो सीखने की जरूरत है वो ये कि जैसे इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ पे जो लाइन में लगा है उसको पर्ची दे देता है, फिर चाहे मतदान रात को 11 बजे तक भी चले, जो लाइन में लगा है उसे वोट डालने का पूरा
मौका मिलता है। शर्त यह है कि शाम को 5 बजे के पहले आपको लाइन में लगना अनिवार्य है। ये हमारे यहाँ का इलेक्शन कमीशन का सिद्धांत है जो प्रैक्टिकल कर। तो बहुत सारे लूपहोल्स ऐसे हैं उनके नियम कानून में, और वो कानून राज्य लेवल पे या काउंटी लेवल पे भी उठा पटक उसमें होती है। और एक आपको बहुत मजेदार बात बताया, कुछ कुछ मामलों में अमेरिका का सिस्टम खुला तो है, वो इतना पार्टिसान भी है। मसलन वहां पे चुनाव अधिकारी भी चुनाव लड़के कई सारी जगहों पे जीतते हैं, और बाकायदा वो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सपोर्ट के नाम पर जीतते हैं, तो इतना पार्टिसान भी है वो। अब अश्वेत मतदाताओं की जहां तक सवाल है कि 13% आबादी होने के बाद में भी जिन राज्यों में डेमोक्रेट लीनिंग के राज्य हैं, ब्लू स्टेट जिन्हें कहा जाता है, वहां पर अफ्रीकन पॉपुलेशन जहां पे ज्यादा है, मतलब न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी और दूसरी साइड में कैलिफोर्निया उधर की तरफ, उनको जब खुले तरह से वोट डालने का मिलता है मौका, तो वो बड़ी तादाद में डेमोक्रेट को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए ब्लू स्टेट्स में आप पाएंगे कि डेमोक्रेट उम्मीदवार इतने बड़े मार्जिन से जीतते हैं, इतने बड़े मार्जिन से जीतते हैं कि ओवरऑल नेशनल वोट शेयर में उनका वोट शेयर बढ़ा हुआ दिखता है। लेकिन वही चीज रेड स्टेट्स में लागू नहीं होती, वहां पर सिस्टमैटिक तरीके से उनका टर्नआउट दबाया जाता है, लॉज बना करके दबाया जाता है, और कुछ निराशा और घोर उसमें वो लोग वोट डालने निकलते भी नहीं, टर्नआउट फैक्टर कम होता है। इस नाते उन पूरे सदर स्टेट्स में जिन्हें आप कहें अश्वेत मतदाताओं की इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद में भी उनके हिसाब से डेमोक्रेट्स को नतीजे नहीं मिलता। तो 2016 में क्या यशवंत जी यही हुआ था जो करीब 7% अश्वेत मतदाताओं ने वोट नहीं डाले थे? क्या यही निराशा थी जी कि एक तो ओबामा नहीं थे, जब तक ओबामा थे 2012 में तो मैक्सिमम वोटिंग की अश्वेत लोगों ने, लेकिन 2016 में हिलेरी क्लिंटन थी तो उनमें वो उत्साह नहीं बचा? और दूसरा ये जो आपने कारण बताया कि दक्षिण में जहां पर रिपब्लिकन का स्ट्रांग होल्ड है वहां वो किसी को जिता नहीं सकते इसलिए वोट डालने ही निकले, तो टोटल जो लॉस हुआ 7% का डेमोक्रेटिक पार्टी को वो इस वजह से हुआ। मुझे ऐसा लगता है मुकेश जी कि दोनों बातें थी इसमें, लेकिन उसके साथ में एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी था कि जैसे मसलन हम जब ये बात करते हैं भारत के तर्जुमे में बोले, जैसे मायावती जी का मुख्यमंत्री बनना ये अपने आप एक वॉटरशेड मूवमेंट था कि जब कोई दलित अपने बूते मुख्यमंत्री इतना बड़ा पद पे पहुंचा। अपने बूते मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंदिरा जी का कोई अपॉइंट किया हुआ या वाजपेयी जी का अपॉइंट किया हुआ कोई बन जाए वो उसमें मैं उतनी बड़ी कारीगरी नहीं देखता हूं, लेकिन ये टर्निंग पॉइंट था क्योंकि एकाएक जब बहन जी बन गई मुख्यमंत्री तो वो सदियों का एक तरह से कॉम्प्लेक्स दूर हुआ कि हम अपने बूते जीत सकते हैं, अपने बूते बना सकते हैं, हमारा कोई आदमी, हमारा कोई नेता ये मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बन जाए, ये एक दबी हुई भावना रहती है जिसे पार्टिसिपेशन इन पावर आप कह सकें, तो वो सिंबॉलिक हो जाती है बहुत चीजें। लालू जी खुद दलित नहीं थे लेकिन गरीबों के मसीहा बन के उभरे थे, हम भी बिहार की राजनीति अच्छे से जानते हैं कि लालू जी का पावर में अपने आप में सिंबॉलिक था, बहुत बड़ी तादाद लोगों को उसका। सेम वही ओबामा की पॉलिटिक्स का हुआ, ओबामा का राष्ट्रपति बनना ये अपने आप में एक ऐसा मूवमेंट बन गया अमेरिकन पॉलिटिक्स का जिसमें सैकड़ों सालों की दासता का अनुभव और उन सारी अनुभवों के बाद में एकदम से निकला नहीं, हमारा आदमी बन सकता है और बन गया। तो जैसे ही आप कोई चीज हासिल कर लेते हैं, हासिल करने के बाद में आपको उसके लिए बहुत ज्यादा फिर एक कहे कि ड्राइव नहीं रह जाता कि ये संभव है, हो गया। तो 2008 और 2012 की जो ड्राइव थी ओबामा को जिताने की, 2016 में ओबामा चूंकि चले गए, हमने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया कि हम जिता सकते हैं हमारा, तो 2016 में वो ड्राइव एकदम से जिसे कहते हैं एक डिग्री कम हो गई। हालांकि उन्होंने ये नहीं सोचा था कभी कि इस ड्राइव के कम होने से एक ऐसा उम्मीदवार जीत जाएगा जिसके जीतने के बाद में ये गोरे काले की खाई जो ओबामा ने पार्टी 8 साल में ये और भयानक बढ़ जाएगी। तो ओबामा के हाई से ट्रंप के लो तक उस मामले में, मैं इस मुद्दे की बात कर रहा हूँ, ये जो श्वेत अश्वेत मामला है, जो रेसिज्म का मसला है, इसके ऊपर मुझे लगता है कि वो ड्राइव कम हुई। इस चुनाव में क्या वो ड्राइव वापस आएगी ब्लैक लाइव मैटर्स के कारण, ये भी एक देखने की बात है। क्या हम लोग टोटल पोस्टल बैलेट की ओर जाएंगे, उसका कितना असर पड़ेगा, ये देखने लायक होगा। तीसरा, हम भारतीय भले ही कितना खुश होके मीडिया में
उछलने कमला हैरिस को लेकर के कि वो भारतीय मूल की हैं। कमला हैरिस की ब्रांड आइडेंटिटी अमेरिकन पॉलिटिक्स में वो इंडियन इंसेस्ट्री की नहीं है, वो अफ्रीकन अमेरिकन की है। उन्होंने अपने आप को अफ्रीकन अमेरिकन घोषित भी कर रखा है। तो एक अदद अश्वेत महिला के इतने बड़े पोजीशन पे पहुंचने का शायद हो सकता है कि उत्साह जो ओबामा के लिए था, हो सकता है अश्वेत महिलाओं का खासतौर पे कमला हैरिस के लिए होगा। मैं ये बात कहने में गुरेज नहीं करूंगा मुकेश जी कि शायद भारतीय मूल के जो वहां पे वोटर हैं उनका जितना उत्साह होगा उससे कहीं ज्यादा उत्साह अश्वेत अमेरिकी मतदाताओं में कमला हैरिस को लेकर। यशवंत जी ये बताइए कि क्या हम लोग जिस तरह यहाँ सोचते हैं कि जो माइनॉरिटीज हैं वो इन ब्लॉक वोट करते हैं, क्या अश्वेत मतदाताओं में किसी तरह का कोई विभाजन नहीं है? वो भी बिल्कुल एक होमोजीनस एक यूनिट है और एक झटके में पूरा का पूरा डेमोक्रेटिक पार्टी के जेब में चले जाते हैं। बिल्कुल विभाजन नहीं है ऐसा कहना शायद थोड़ा सा गलत होगा मुकेश जी, क्योंकि देखिए जैसे भारत में भी हम जानते हैं हमने दलित मतदाताओं का खासतौर पे हमने पूरा कलेवर पिछले 10 साल में बदलते हुए देखा। कंप्लीट प्रो कांग्रेस से एक तरह से प्रो बीजेपी रोल में जाते हुए हमने देखा है, और उसका कारण केवल हिंदुत्व राजनीति या वो नहीं है, हम ये भी जानते हैं कि उसका कारण बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक इक्वेशंस में बदलाव आना है। इतने सालों का जो मंडल कमंडल की राजनीति में मंडल कमीशन के बाद में जो अफर्मेटिव एक्शन हुआ है तो वो भी बदलाव आया है। सेम वैसे ही अमेरिका में भी अफर्मेटिव एक्शन के चलते अश्वेत मतदाताओं का जो पढ़ाई लिखाई और बाकी सारी चीजों में बदलाव है वो दीगर है, मतलब अलग नहीं है, मतलब बहुत आप समझ सकते हैं इसको कि आज से 20 साल पहले अगर आप कहें कि हाई स्कूल पूरा करने वाले श्वेत और हाई स्कूल पूरा करने वाले अश्वेत मतदाता, इन दोनों के बीच का गैप अगर अगर मानिए 90% श्वेत पूरा करते थे तो तकरीबन 65% के आसपास अश्वेत, इतना बड़ा गैप था। आज वो 20-25% का गैप सिकुड़ के मुश्किल से 5% का रह गया, यानी हाई स्कूल तक का पढ़ाई करने वाले वो अश्वेत बहुत तगड़ा 25 साल से आगे वाले जो पॉपुलेशन उनमें परसेंटेज बढ़ा है, तो उन सब का भी असर पड़ा है। मैं इसका ये नहीं कह रहा हूं कि वो प्रो रिपब्लिकन हो गए ज्यादा पढ़ाई करने से, लेकिन क्या होता है कि जब आपके ये सारे इंडिकेटर्स बढ़ते हैं तो मतदाता घटवाइज होकर वोट करने के बजाय मुद्दे और खुद से जुड़े हुए मुद्दे इसके ऊपर ज्यादा वोट देता है। इसलिए बहुत सारे पॉकेट्स ऐसे भी हैं जैसे जिन जगहों पे अमेरिकन्स की नौकरियां वापस आई, मतलब ट्रंप के एंटी चाइना पॉलिसी के कारण जो नौकरियां जहां पर आई, और उसमें ओबामा के भी एडमिनिस्ट्रेशन को श्रेय देना पड़ेगा, उन्होंने भी ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए काफी ताकत लगाई। ये वैसी ही बात हो गई जैसे शीला दीक्षित जी ने बहुत सारे फ्लाईओवर और तमाम विकास के काम किए, उसमें बहुत सारे फीते जो है आज के जो वहां के सत्ताधीश हैं दिल्ली के वो काट रहे हैं, वाहवाही लूट रहे हैं। उसी तरह से ट्रंप ने भी बहुत सारे ओबामा के किए हुए कामों की वाहवाही अपने मत्थे ली, लेकिन जिनको नौकरियां मिल नहीं है या जिनको थोड़ा फायदा हो रहा है उन जगहों पर जरूरी नहीं है कि वो पूरी तरीके से एक एनब्लॉक डेमोक्रेट्स को ही खाते में जाए, हो सकता है कि वहां पे असर पड़े। लेकिन ये जो बीच बीच में मुद्दे आते हैं जैसे किसी की एक उसकी हत्या हो जाना, पुलिस ऑफिसर्स ने हत्या, ये उस तरीके के मुद्दे हैं जो पुराने जख्म के खुरंड को खींच के बिल्कुल जिसे कहते हैं ना घाव हरा कर देना, तो जो हरा एकदम से घाव होता है वो कई सारी पढ़ाई लिखाई तमाम मुद्दों को पीछे रह जाते हैं। हम लोग अपने भारत में देखते हैं ना मुकेश जी, वो भावनात्मक मसला बन जाता है, एक कम्युनल पोलराइजेशन का एक मुद्दा हो जाए तो बाकी सब कुछ पीछे हो जाता है, वो ध्रुवीकरण आगे हो जाता है, सेम वैसा ही वहां पर। तो मुझे लगता है कि ये बताइए कि एक तो ये इशू है गोरे कालो जो लगातार एक वैमनस्य खाई है और जो पोलराइजेशन वाली पॉलिटिक्स है उसकी वजह से वो इस तरह बटे हुए, लेकिन कौन से इश्यूज हैं जो अश्वेत मतदाताओं को सबसे ज्यादा लुभाते हैं या उकसाते हैं, प्रभावित करते हैं, और इस चुनाव में खासतौर पर उनके लिए कौन सी मुख्य बातें हैं जिसके आधार पर वो किसी पार्टी का चयन करेंगे इसके अलावा, मतलब ट्रंप के गोरावाद के अलावा? जी, सोशियो इकोनॉमिक इक्वेशन या अश्वेतों का आर्थिक रूप से पिछड़ा होना ये एक बहुत बड़ा वहां पे
मुद्दा है। मुकेश जी, वहां पे आप ये मानिए कि गैर अश्वेत, एक साधारण श्वेत परिवार की वेल्थ एक एवरेज अश्वेत परिवार की वेल्थ से एवरेज, ऑन एन एवरेज पूरे यूएस में 10 गुना ज्यादा है, एक दो गुना नहीं, 10 गुना। मतलब एक मीडियन जो वहां पे वेल्थ मानी जाती है अश्वेत परिवार की तकरीबन $17,000 है, और एक श्वेत परिवार जो मीडियन है उसकी वेल्थ $1,70,000 है। इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा गैप मतलब शायद आप उस लिहाज से अब भारत में भी नहीं पाएंगे, क्योंकि भारत में अब जातिगत डिफरेंसेस वैसे नहीं रह गया है, अब भारत में एक क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का गैप उसके अंदर ज्यादा पड़ गया है, लेकिन वहां पर अभी भी ये गैप बहुत है। एक ये बहुत बड़ा मसला है जिसको मुद्दा बनेगा। दूसरा, वहां का जो सबसे कमजोर जिसे कहें दुखती रग है वहां पे, वो वहां का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है कि एक ही क्राइम के लिए, कहा जाता है कि एक ही क्राइम के लिए एक श्वेत कोई व्यक्ति अमेरिका में वो जेल जाए, उससे 100 गुना ज्यादा संभावना एक अश्वेत के जेल जाने की रहती। तो ये वहां का एक तरह से अनरिटन रेसिज्म जो है वहां के इन्फ्लिक्टेड है अंदर सिस्टम के, इसके ऊपर बहुत रिएक्शन है। और आप ये देखिए कि अभी भी जो ब्लैक लाइव मैटर वाला हुआ, वो भी पुलिस की कार्रवाई में एक अश्वेत मरा, उसके बर्बरता के विरुद्ध ही वो पूरी पूरा आंदोलन वो खड़ा हो गया। बिल्कुल, और डिफंडिंग का आंदोलन वगैरह जो क्रिमिनल सिस्टम को सुधारने का एजेंडा है पूरा आ गया चुनाव के बीच में आ गया। अब चुनाव के बीच में यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि जो कोरोना वायरस की वजह से वहां मौतें हो रही हैं, बावजूद इसके कि अश्वेतों की आबादी बहुत कम है, मरने वालों में अश्वेतों की संख्या गोरों के संख्या, इसका मतलब है कि जी सिस्टमैटिकली आप ये समझिए कि उनको उस तरीके का केयर या मेडिकल केयर नहीं मिल पा रही है जिसका असर पड़ रहा है। तो बहुत उसका असर है। एक कभी कभी मुझे लगता है कि जब आप वहां जाकर के देखें कि इतने साल की 400 साल की डेमोक्रेसी और इतना एडवांस और इतना पैसा होने के बाद में भी जिस तरीके का गैप आपको वहां पे अगले पिछड़े के एक्चुअल में दिखाई देता है आर्थिक रूप से, उस अनुपात में अगर देखें तो दरअसल मुझे लगता है कि भारत बहुत पिछले 70 साल में हमने काफी कुछ बहुत अच्छा किया है। मतलब ये एक मैं हमेशा अपने दर्शकों को भी ये कहता हूँ आग्रह कि हम लोग कई बार ओवर क्रिटिकल हो जाते हैं 70 साल में अपने जो सफर में हमने जो पाया है, जो नहीं पाया उसको ध्यान में रखते हुए हम बहुत ओवर क्रिटिकल हो जाते हैं। लेकिन अमेरिका में मैं जब जितनी बार भी मैं देखता हूं इस गैप को, तो मुझे लगता है कि अभी भी वहां पर बहुत सारा जिसे कहे हीलिंग बाकी है, बहुत सारी भरपाई बाकी है, दरारें बहुत गहरी हैं, बहुत चोटिल हैं। और खास तौर पे दक्षिण के जो राज्य हैं जिसे बाइबल बेल्ट आप कह लें या आप रिपब्लिकन स्ट्रॉन्ग बेस कह लें, वहां पे रेसिज्म मतलब आप जीवंत देख सकते हैं जो जो उनके, अगर ऐसा रेसिज्म नहीं होता मुकेश जी तो उस तरीके की मौतें भी नहीं होती पुलिस की कार्रवाई में जिस तरीके की हमने देखी। तो वो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर ही अब एक मुद्दा ये भी बनेगा। कमला हैरिस चूंकि अटॉर्नी जनरल रही वहां की कैलिफोर्निया की, और उनका जो कार्यकाल रहा उस कार्यकाल में उन्होंने बहुत सारे अच्छे भी उठाए और बहुत सारे उतने अच्छे नहीं भी उठाए मुद्दे। एक अंतिम सवाल इस चर्चा का कि क्या ट्रंप भी अश्वेत मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ कर रहे हैं? वो पिछले चुनाव में घोषणा करते हुए पाए गए थे कि इन 4 सालों के बाद आप देखिएगा कि आप मुझे वोट देंगे, अश्वेत मतदाताओं को संबोधित करते हुए पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था। तो ऐसा तो लगता नहीं है, लेकिन क्या इस चुनाव में भी वो कोशिश कर रहे हैं या उन्होंने मान लिया कि हमें तो गोरों का कंसोलिडेशन चाहिए, अब अश्वेत तो हमारे पास आने से रहे, इनको जाने दो? अब मुझे लगता है वो कोशिश कर रहे हैं, और उनकी कोशिश और उनके कुछ में मैंने प्रमोशनल वीडियोस जो देखे वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। उन्होंने जो कैंडिडेट नीचे के लेवल पे दिए हैं ऐसी काउंटीज और ऐसी जगहों पे जहां पर पुराने डेमोक्रेटिक शासन चला आ रहा है लंबे समय से, जिन राज्यों में, जिन बड़े शहरों में, कई सारी जहां की अर्थव्यवस्था, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल चरमरा रहा है, और जो
जहां के अश्वेत मतदाताओं ने जम के 50-50 साल से जिसे कहते हैं कि डेमोक्रेट्स को वोट दे रहे हैं, वो उन जगहों के वीडियो बना करके वहां पे कैंपेन कर रहे हैं कि आप अपना नेबरहुड देखिए, आप जहां रहते हैं ये देखिए, इस जगह की दुर्गति देखिए, 50 साल से आप दे रहे हैं डेमोक्रेट को वोट, आपको मिला क्या, आप ये बताइए ना, सिवाय हमारे हमको वोट हमको गाली देने के अलावा आपको क्या मिला है। तो वो एक इंटरेस्टिंग है, इसका असर कितना पड़ेगा मैं नहीं कह सकता, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन ये वैसे ही कुछ प्रयास वैसा ही है। मसलन नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी आज अगर जाकर के भारत के जितने भी हर शहर में जो घेटोज हैं मुस्लिम्स के, वहां पर जाके बोले कि भाई ये बताइए कि हमको तो आपने वोट नहीं दिया, 70 साल में आपका मोहल्ला ठीक हुआ क्या, आपकी आर्थिक हालत ठीक हुई क्या, तो आपने हमको गाली देके क्या पा लिया, आप हमको वोट देकर, ये वैसा प्रयास है, उस प्रयास का नतीजा भी लगभग उतना ही निकलेगा जितना कि अपने यहाँ पे निकलता है। लेकिन इतना जरूर है कि इन सब कैंपेन से बहुत सारे छिपे हुए मुद्दे भी निकलते हैं। सब कुछ डेमोक्रेट्स ने अच्छा किया है ऐसी बात नहीं है, ये बात भी सच है कि डेमोक्रेट्स ने अश्वेत मतदाताओं में, जैसे हमने बोला था कि भारतीय मूल के मतदाता को उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा था, डेमोक्रेट्स ने अश्वेत मतदाताओं को भी मुकेश जी टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, ये बात सच है। ये एक अदद अश्वेत राष्ट्रपति बना देने से बराक ओबामा के रूप में आपने अपने कर्तव्य की जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, ऐसा नहीं है। और ये वैसा ही है जैसे कांग्रेस ने दलितों का इस्तेमाल किया, दलितों के लिए किया नहीं। लेकिन उस चीज का गुस्सा अश्वेतों के अंदर नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जितने ब्लैटेंट रेसिज्म का वो डे टू डे में अपना सामना करते हैं उसके चक्कर में कुआं और खाई में कुआं बेहतर है वाले अंदाज में वो डेमोक्रेट्स को ज्यादा पसंद करेंगे, ये कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत जी, अच्छी बातचीत हुई और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी अमेरिकी चुनाव में अश्वेत मतदाताओं की स्थिति और उनके रुझान के बारे में थोड़ा सा एक समझदारी प्राप्त हुई होगी। और उम्मीद है कि अब चूंकि ये सिलसिला चल रहा है तो हम बार बार अश्वेत मतदाताओं पर आते रहेंगे और बहुत सारे पहलू जो इस बातचीत में अभी नहीं आ पाए होंगे वो बीच बीच में आते रहेंगे। तो इस श्रृंखला से जुड़े रहिए, आपसे ये निवेदन है, और लगातार देखते रहिए क्योंकि हम हफ्ते में 2 दिन यशवंत जी के साथ आते हैं और किसी एक बड़े विषय पर का इसी तरह से पोस्टमार्टम करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत जी, धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। सत्य हिंदी के और वीडियोज को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।